कुछ बुजुर्ग नेता हैं यहाँ जिनको आज के टाइम में अल्लाह अल्लाह राम राम करना चाहिए, लेकिन सड़कों पर कि मैंने अपनी कलम से ये पैसा दिया, मैंने अपनी कलम से वो पैसा दिया। मैं आज उनको ये बताना चाहता हूँ कि पैसा तुम्हारे बाप का नहीं था, पैसा सरकार का। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक आजम खान पर जोरदार हमला बोला है। सभा में मैंने बोलने से पहले सबसे एक बात कही थी कि आज के बाद शफीक भाई को विधायक कहना शुरू करूंगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के हिंदू और मुसलमानों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में विश्वास जताकर और यहां से एक देश में एक मैसेज दिया है, और वो एक ऐसा मैसेज दिया है कि यहां कुछ बुजुर्ग नेता हैं यहां जिनको आज के टाइम में अल्लाह अल्लाह राम राम करना चाहिए, लेकिन सड़कों पर घूम रहे हैं। मौका था स्वार नगर पालिका अध्यक्ष रेशमा परवीन के शपथ ग्रहण समारोह का, जहां पहुंचे बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने जनता को संबोधित करते हुए आजम खान का नाम लिए बिना कहा कि यहां कुछ बुजुर्ग नेता हैं जिन्हें आज के टाइम में अल्लाह अल्लाह राम राम कहना चाहिए, तो वो आज इन सड़कों पर घूम रहे हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में विश्वास जताकर और यहां से एक देश में एक मैसेज दिया है, और वो एक ऐसा मैसेज दिया है कि यहां कुछ बुजुर्ग नेता हैं यहां जिनको आज के टाइम में अल्लाह अल्लाह राम राम करना चाहिए, लेकिन सड़कों पर घूम रहे हैं। आकाश सक्सेना यही नहीं रुके, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वो चुनाव में मंच पर खड़े होकर कहते थे कि मैंने अपनी कलम से ये पैसा दिया, मैंने अपनी कलम से वो पैसा दिया। आकाश सक्सेना कहते हैं वो पैसा उनके पिताजी का नहीं था, वो पैसा सरकार का पैसा था, वो पैसा जनता का पैसा था। कुछ बुजुर्ग नेता है यहाँ जिनको आज के टाइम में अल्लाह अल्लाह राम राम करना चाहिए, लेकिन सड़कों पर घूम रहे हैं। चुनावों में मंच पर खड़े होकर यहां कहते थे कि मैंने अपनी कलम से ये पैसा दिया, मैंने अपनी कलम से वो पैसा दिया। मैं आज उनको ये बताना चाहता हूं कि पैसा तुम्हारे बाप का नहीं था, पैसा सरकार का। मंच से खड़े होकर ये बहुत आसान होता है कहना कि मैंने पैसा दिया। अरे भाई तुम कौन हो पैसा देने वाले? पैसा हमारे जो गरीब भाई बहन है, ये पैसा इनका पैसा है। आकाश सक्सेना ने कहा कि वो आज मंच के माध्यम से आंसू बहाते हैं, अल्लाह की दुहाई देते हैं। ये वही लोग हैं जो जनसभाओं में कहते थे कि ऊपर के फैसले अल्लाह करेगा और नीचे के अल्लाह मैं हूँ, नीचे के फैसले मैं करूँगा। भाई अपनी विधायक निधि में ये हमारी जो नई चेयरमैन बनी है वो विकास कार्य पैसा खर्च करेगी, वो पैसा जनता का है, वो पैसा किसी का नहीं, सरकार का पैसा है। इसलिए ये बात कहना कि मैंने पैसा दिया, ये भूख आती है मैं की, और आज ऊपर वाले ने जो उनके साथ जो कर रहा है वो किसी का नहीं। आज अपने मंच के माध्यम से आंसू बहाते हैं, कहीं कहीं अल्लाह की दुहाई देते हैं कि ये वही लोग हैं जो टांडे की जनसभा में खड़े होकर ये कहते थे कि ऊपर के फैसले अल्लाह करेगा और नीचे का अल्लाह मैं हूँ, नीचे के फैसले मैं हूँ। आज जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने भाषण के दौरान आकाश सक्सेना ने कई दफा आजम खान पर जुबानी तीर छोड़ी, मगर इस दौरान एक बार भी आजम खान का नाम अपनी जुबान पर नहीं लिया और रामपुर और स्वार में कमल खिलाने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया।